नमस्कार, आज की महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। टैबलेट के लिए खुला गया है पोर्टल, आवेदन इस प्रकार करें। जी हां, टैबलेट के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। छात्रों से मांगी गई है बैंक की डिटेल, इस तरीके से करें आवेदन। हम बात कर रहे हैं MBPG कॉलेज संबंधित। MBPG कॉलेज में खोला गया है फ्री टैबलेट के लिए पोर्टल। छात्रों से मांगी गई है इस संबंध में बैंक की डिटेल। जी हां, आपको जानकारी दे दें, MBPG कॉलेज में टैबलेट योजना से लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज प्रशासन ने पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थियों को कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। विद्यार्थियों को डाटा अपलोड होने के बाद उनके खाते में टैबलेट की राशि जमा की जाएगी। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से न्यूज़ समझते हैं। MBPG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर बी आर पंत ने बताया, योजना का लाभ लेने के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट दैट इज https://onlinembpgcollege.ac.in में अपलोड बैंक डिटेल विकल्प में जाकर आपका रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर जन्मतिथि के साथ लॉगिन कर बैंक का विवरण अपलोड करना होगा। विद्यार्थी की ओर से अपलोड की गई जानकारी के तहत उनके बैंक खाते में टैबलेट खरीदने के लिए 12,000 प्रति छात्र स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। खाते से रुपए प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर टैबलेट क्रय कर उसकी GST युक्त बिल रसीद विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी। विद्यार्थी की ओर से राशि प्राप्त होने के बाद महाविद्यालय में रसीद जमा नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नवीन महाविद्यालय में भी मांगे आवेदन। हल्द्वानी राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर किशनपुर गोलापार के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार ने विद्यार्थियों से टैबलेट योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा, टैबलेट खरीद की रसीद उपलब्ध कराने पर हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल प्रति विद्यार्थियों को वापस कर दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, कॉलेजेस संबंधित। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा भगवद गीता और वेदों का पाठ। अगले सत्र 2021-2022 से लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगली महत्वपूर्ण खबर, अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को टैबलेट देने पर होगा विचार, अरविंद सिंह पांडे ने कहा है। बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय बालक छात्रावास का बुधवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान बताया गया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे मोबाइल टैबलेट की कमी चलते ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारी सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने की योजना बनाई। हमारा यह प्रयास हुआ कि शासकीय विद्यालयों के बच्चों को भी टैबलेट दिए जाएं। इस दिशा में सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइज किचन भी हम काशीपुर में जल्द शुरू करने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, अभी तक कोरोना को लेकर स्कूल बंद करने की कोई विचार नहीं है। छोटे बच्चों को वैक्सीन भी आ गई है। यह छात्रावास एक महत्वपूर्ण प्रयास है, इसे जरूरतमंदों बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, विज्ञप्ति संबंधित। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में सहायक के 2 पदों पर सीधी भर्ती मांगी गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर, अब तक सिर्फ 3 घंटे चल रही थी कक्षाएं, शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की ओर से किए गए हैं आदेश। अब पहली से 5वीं तक की कक्षाएं अब पूरा वक्त चलेंगी। पूरे समय स्कूल खोलने के विरोध में उतरे अभिभावक। आपको जानकारी दे दें, सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उत्तराखंड की पहली से 5वीं तक की सभी कक्षाएं अब पूरा वक्त चलाने के आदेश कर दिए हैं। अभी तक कक्षाएं सिर्फ 3 घंटे तक संचालित हो रही थी।